Good morning, students, and my dear viewers. This is Waris Jamal, and I am discussing the topic cyber ethics. In my previous video, you have found that I have discussed a lot about the cyber ethics. Today, I am going to discuss netiquettes. And my language of discussion will be Hindi, because it makes you understand very easily. तो मैं आपको बता दूं कि netiquettes आज मेरा टॉपिक है, और netiquettes के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये स्लाइड इस स्लाइड से मैंने लिखा है कि netiquettes एक शॉर्ट वर्ड है जो इंटरनेट इक्विटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एक्चुअली क्या है ये netiquettes, इसके बारे में बता दूं कि आप जो बिहेवियर अपना सोसाइटी के सामने शो करते हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ शो करते हैं, वैसे ही बिहेवियर्स आपको इंटरनेट सोसाइटी में भी शो करना है. द गुड बिहेवियर्स दैट यू शो इन द इंटरनेट, व्हेन यू आर यूजिंग इंटरनेट, जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो बिहेवियर्स को शो करते हैं, उसी बिहेवियर्स को, गुड बिहेवियर्स को हम लोग नेटिक्यूट्स कहते हैं. ये आपका बिहेवियर आपके ऑनलाइन चैटिंग में भी हो सकता है, आपकी ईमेल में भी हो सकता है, आपके सोशल मीडिया में भी शो कर सकते हैं, या आप मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहे हैं उसमें भी हो सकता है, या किसी तरह का ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं. जो आपका गुड बिहेवियर है, फिर से बता दूं कि जो गुड बिहेवियर आप शो करते हैं इंटरनेट पर, जब आप इंटरनेट यूजर हैं, इंटरनेट का सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो आप गुड बिहेवियर अपने अच्छे बिहेवियर को जो सामने वाले यूजर्स के सामने पुट करते हैं, वो आपका नेटिक्यूट लाता है. क्यों दो तरह का होता है इसमें, दो तरह का, इन दैट सेंस कि आप जब वन टू वन कम्युनिकेशन करते हैं तब उस वक्त आपका क्या बिहेवियर होता है, क्या आप गुड बिहेवियर शो करते हैं, और जब आप वन टू मेनी कम्युनिकेशन करते हैं तब उस वक्त क्या बिहेवियर करते हैं, तब उस वक्त आप क्या बिहेवियर को शो करते हैं वो आपका. अब आते हैं कि वन टू वन कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यू आप किसी भी प्राइवेट मैसेजिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, या खुद ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं किसी के साथ, पर्सनल चैटिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका क्या बिहेवियर होगा. जब आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, किसी पर्सनल को, किसी एक आदमी को ईमेल कर रहे हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस समय आपका क्या बिहेवियर होगा, इसके लिए हम लोग वन टू वन कम्युनिकेशन नेटिव को कहते हैं. और जब एक से ज्यादा लोगों के साथ करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, फेसबुक पे आप कोई पोस्ट करते हैं, या आप किसी पब्लिक चैटिंग फॉर्म पे चैटिंग कर रहे होते हैं, या कि एक बहुत सारे मेलिंग लिस्ट पर आप किसी को मेल कर रहे होते हैं, या किसी वेबसाइट में ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, ब्लॉगिंग ब्लॉग माइक्रो ब्लॉगर सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें आपका क्या नेटिक्यूट है उसको आपको देखना होगा. ये आपका नेटिक्यूट है. नेक्स्ट जो है कि आपको कुछ गाइडेंस एंड रूल्स फॉलो करने हैं, जो आपको गुड बिहेवियर, जो कि गुड नेटिक्यूट या गुड बिहेवियर को दर्शाता है. उसमें सबसे पहला बात यह है कि आपको, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है कि अब आपको अवॉइड करना है, यू हैव टू अवॉइड द ऑब्वेसिव लैंग्वेज, ऑब्वेसिव कमेंट्स एंड ऑब्वेसिव पोस्टिंग. माने कि आपको वैसी चीजें का नहीं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, अभद्र चीजों को पोस्ट नहीं करना है. ये आपका पहला ये गाइडेंस है. ये आपको आपको दिखाता है कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं अदर्स का, सामने वाले का, जो अदर यूजर्स है इंटरनेट पर. दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ लिखा है कि बगैर आपको, बगैर किसी के इंफॉर्मेशन दिए, किसी का पोस्ट, किसी का वीडियो, किसी का ऑडियो, किसी का भी फोटोग्राफ्स आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते. आप किसी को, किसी भी इंसान को, थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है, तीसरी जो पॉइंट है मेरी, कि किसी को भी लार्ज अमाउंट में अनसोफिस्टिकेटेड ईमेल्स नहीं भेजना है. जो उसको ईमेल की जरूरत नहीं, फिर भी आप ईमेल भेजे जा रहे हैं, उसके अंदर गलत गलत अटैचमेंट डाल रहे हैं, या कुछ गलत इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, या अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको नहीं करना है. आपको किसी भी यूजर को, जब आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, तो आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेयर को अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, कमेंट्स नहीं करना है, रिपीटेटिव कमेंट्स नहीं करना है, कोई अनॉइंग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है. ये आपके गुड बिहेवियर को दर्शाता है. चाहे आप किसी तरह का पोस्टिंग कर रहे हैं, ईमेल पोस्टिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, या यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं, तो आपके, आपको पहला तो आपको गलत पोस्ट नहीं करना है, जो कि मैंने आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताया था.
ये पॉइंट नंबर सेकंड बताया था। और पॉइंट नंबर थर्ड में ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी के पोस्टिंग को देखते हैं, व्हेन यू सी द पोस्टिंग ऑफ एनी वन, किसी के पोस्टिंग को आप देख रहे हैं, तो उसके पोस्टिंग पर या यूट्यूब का पोस्ट हो या तो फेसबुक का पोस्ट हो, आपको किसी भी तरह का गलत अभद्र कमेंट नहीं करना है, आपको किसी के साथ ऑफेंसिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना है। अवॉइड रिप्लाइंग नेगेटिव कमेंट्स, अगर कोई आदमी आपको नेगेटिव कमेंट देता है तो उसके उसके बिहाफ में आप भी नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, ये भी गलत बात है, आपको नेगेटिव कमेंट्स नहीं देना। अगर आप ये नेगेटिव कमेंट्स नहीं देंगे, अगर कोई आपको कमेंट्स कर रहा है आप नेगेटिव कमेंट नहीं देंगे, तो नेगेटिव कमेंट्स का जो साइकिल बनता है उसको आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अच्छा, और आठवीं बात यह है कि अगर अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, किस तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर आप उसको जानते हैं तो आप उसको हेल्प कर दें, अच्छी बात है। अगर आप किसी से ऑनलाइन हेल्प ले रहे हैं तो उसको थैंक यू कहें, ये गुड मैनर्स के अंदर आता है, गुड मैनर्स इज अ गुड नेटिक्यू, थैंक यू। मैं बताने जा रहा हूँ कुछ कुछ गुड नेटिक्यू है जो आपको क्या करना होगा, देखना होगा। पहले इसमें बातें हैं कि इंक्लूड कंटेंट्स, इंक्लूड कंटेंट। जब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपको अच्छा बिहेवियर शो करना है, ओरिजिनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, अच्छे कमेंट्स का इस्तेमाल करना है, ना कि गलत कमेंट्स का। अपने आप को बताना है, अपनी बातें लोगों को बताना है, एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपको किसी तरह का दृढ़ नहीं होना चाहिए, आपको ऑनेस्टली ओपनली आपको बताना चाहिए कि हु आर यू, विद होम समवन इज टॉकिंग टू यू, किसके साथ वो बात कर रहा है, इसके बारे में उसको जानकारी देना है। अगर आप जानकारी दे रहे हैं तो गलत जानकारी ना दें, आपको सही जानकारी देना चाहिए, एक ऑर्डिनरी कोर्स है। उसके बाद आया है चेक एंड क्लिक देन क्लिक। आपके पास अगर कोई कोई किसी तरह का पोस्ट आता है, आपको किसी तरह का पोस्ट आता है, तो आप उस पोस्ट को किसी के पास फॉरवर्ड करने से पहले आप उसको ठीक से चेक कर लीजिए, सही से मतलब चेक कर लीजिए, बार बार चेक कर लीजिए। स्टे करने से क्या होगा कि आप कभी भी किसी भी गलत इलीगल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। आजकल के जमाने में बहुत सारे पोस्ट आते हैं जिसको हम लोग बगैर वेरीफाई करें सिंगल क्लिक करके हम क्या करते हैं, आगे की तरफ पोस्ट कर देते हैं, जो कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। बी योरसेल्फ, जो बात आपको जानते हैं, अपने प्रोफाइल पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं रखना चाहिए। आपको जब किसी से बातें कर रहे होते हैं तो बहुत जल्दी सीरियस नहीं हो जाना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और याद रखें किसी को ट्रॉल नहीं करना है। गुड बिहेवियर में हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए सामने वाले की प्राइवेसी, जिसे आप बात कर रहे हैं उसको उसके उसके साथ बैड बिहेवियर नहीं करना चाहिए, साइबर बुलिंग नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन हरास्टिंग नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन हरास्टिंग नहीं करना चाहिए। ये सब आपके आपको किसी भी किसी के पूछे बगैर किसी के प्राइवेट इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेडिंग मल्टीपल एंड इंसल्ट एंड अब्यूजिंग इज बैड नेटिक्यू। आप किसी का इंसल्ट कर देते हैं तो ये क्या है, आपका बैड नेटिक्यू है, आपका बैड बिहेवियर है, जो कि आपको इंटरनेट पर नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको बता रहा है कि आपको उस प्लेटफॉर्म को ही छोड़ देना चाहिए, या उस प्लेटफॉर्म को बैड उसको लीव कर देना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि अगर लगातार आप उस प्लेटफॉर्म पे गलत बिहेवियर शो कर रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म वाला या तो आपको हटा देगा या तो आपको खुद एज ए गुड बिहेवियर की तरह होकर के उस प्लेटफॉर्म को ही छोड़ देना चाहिए। अलाउ अदर्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अगर कोई आदमी अपनी बातें लिखता है, कमेंट्स में लिखता है, तो आपको उससे डिसएग्री नहीं चाहिए। आप अगर उससे एग्री हैं या डिसएग्री हैं तो आपको उस पर अपना ओपिनियन इनकल्केट करने की जरूरत नहीं है, अपने ओपिनियन आर्गुमेंट्स के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। हर आदमी का अपना सोच होता है, अपना ओपिनियन वो रखता है। डू यू गेट इट, अब अगर कोई किसी को इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, कुछ लिख के भेज रहे हैं, कोई जोक ही लिख रहे हैं, तो आप लिख के भेज दीजिए कि मैं ये जोक लिख रहा हूँ, एल ओ एल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दोस्त का आप किसी तरह का इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो आदमी जनरली को क्या होता है, ह्यूमरस नेचर का होता है, वो कमेंट को देख के रिएक्ट, नेगेटिव मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, नेगेटिव थॉट भी रख सकता है। तो आप अगर आप उसको पहले ही लिखा दें कि ये केवल हंसी के लिए है, केवल लाफ हफ्ते ये जोक के लिए है, केवल एक जोक है जैसा रहेगा, तो इस तरह से क्या होता है, वो आपका नेगेटिव थॉट नहीं लेगा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग उसके अंदर नहीं होगा। ये सब बातें आपको मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वेरी मच एंड कीप लर्निंग थ्रू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी